साहब, हमारो काम तो हो जाए है ना। साहब, हमारो काम तो सही में हो जाए है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी तुम्हारे पति ने बहुत बहादुरी का काम किया है। अपने पैर पे गोली खाकर उसने चोरों को भगाया। काम तो होना ही चाहिए। मैं कल ही अपने सीनियर से बात करता हूँ तुम्हारे पैसों के बारे में, ठीक है? तो साहब, हम पैसा ले भी कब तक आ जाए? अब पैसे मिलने तक तुमको एक दो चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे ना। ठीक है साहब, जात हूँ। ठीक है। अच्छा रुको, जाओ। ये तुमने सलवार उल्टा पहना है, इसको सीधा कर लो। अरे मैम, बताओगी बात क्या है? यस कुराज, ऑफिस में क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। हाँ, वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार। अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन मंथ एंड तक ऑफिशियल भी हो जाएगा। तभी मैम आज इतनी खुश है। तुम्हें पता है, ऑफिस में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने सारे लोग मुझसे जल रहे हैं। इनफैक्ट माय गर्ल फ्रॉम माय ऑफिस जया, वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। लेकिन मेरे मैनेजर सर मुझसे बहुत खुश है, और वो भी क्यों ना, यू नो हाउ हार्ड वर्किंग आई एम। अब मैम आप ही की मेहनत से तो हमारा घर चल रहा है ना। अच्छा सुनो, आज शाम को हम बाहर जाने वाले सेलिब्रेशन के लिए, तो तुम जल्दी से डिसाइड करो कि कहां जाओ, और जल्दी से रेडी भी हो जाओ, फिर लास्ट टाइम जैसे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा हाँ सुनो ना, तुम कल ऑफिस से हाफ डे ले लो, और मैं मार्केट चलूँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
तुम्हें याद है वो पेन लहंगा जो मुझे लास्ट वीक पसंद आया था, मैं वो लेने वाली। अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम मैरिज असिस्टेंट को डिनर पे बुला लूँ, आफ्टर ऑल एक थैंक्स तो बनता है ना। अच्छा चलो अभी के लिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाए। तुमने सलवार उल्टा पहना है।